रामाश्रम सत्संग मथुरा के इतिहास के ऊपर एक दृष्टिपात करें। इस सत्संग की स्थापना उत्तर प्रदेश के शहर एटा में 1930 में हुई। इसके स्थापक गुरु महाराज परम संत डॉक्टर चतुर्भुज साय जी थे, जिनका निवास वहीं था। इस कार्य के लिए उनको उनके गुरु परम संत परम पूज्य श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा आज्ञा प्रदान की गई। जिस समय उन्होंने यह आज्ञा दी तो कहा था कि डॉक्टर साहब, जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया वह आपको पूरा करना है। मैंने आपको संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियाँ दी हैं और आपको इस आध्यात्मिक साधना को ऐसा रूप देना है जो धर्म संप्रदाय और जात पात के ऊपर हो। गुरु महाराज ने उनकी आज्ञा पालन करते हुए यह कार्य संपन्न किया। 1933 में यह अनुभव हुआ कि प्रचार प्रसार के लिए एक पत्र आवश्यक है और साहित्य भी आवश्यक है। इसलिए गुरु महाराज ने 1933 अगस्त में एक मासिक हिंदी पत्र निकाला जिसका नाम साधन है और बहुत साहित्य भी धीरे धीरे सृजन किया। इस सत्संग का नाम प्रारंभ में रामाश्रम सत्संग ही था, परंतु जब गुरु महाराज ने अपना निवास मथुरा लिया तो इस सत्संग का नाम रामाश्रम सत्संग मथुरा पड़ गया। गुरु महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा पालन हेतु धीरे धीरे इस साधना विधि में रूढ़वादी परंपराओं को छोड़ते हुए यह रूप दिया जो आपके सामने आज प्रस्तुत है। इस साधना की कुछ विशेष बातें हैं। प्रथम यह कि यह साधना हर धर्म संप्रदाय और जात पात के ऊपर है, संपूर्ण मानवता इससे लाभ उठा सकती है। इसमें यह क्रिया करते हैं कि गुरु या इष्ट या परमात्मा के प्रकाश रूप को अपने सामने लेकर इस प्रकाश को अपने हृदय में ले जाते हैं और उस प्रकाश पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इस कारण यह साकार और निराकार दोनों को स्वीकृत है। प्रकाश वह रूप है जो सभी धर्मों को मान्य है, इसलिए संपूर्ण मानव इसका लाभ उठा सकते हैं। इस क्रिया में आप केवल एक दृष्टा हैं और यह क्रिया कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की मिलोनी है। मुख्यतः उपासना की क्रिया है, इसको हम दृष्टा योग या समर्पण योग भी कह सकते हैं, क्योंकि साधक इसमें क्रिया नहीं करता, केवल दृष्टा रहता है। इस क्रिया से 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम करने से ही वह स्थिति प्राप्त होती है जो महीनों में योगियों को प्राप्त होती थी। दूसरी जो खास बात इस सत्संग की है वह यह है कि इस सत्संग में गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं रहता, क्योंकि गुरु और शिष्य में औपचारिकता रहती है और हमेशा द्वैत रहता है। यह इस सत्संग की क्रिया में नहीं है, यहाँ संबंध रखने के लिए जोर देते हैं और यह कहते हैं पिता, पुत्र, चचा, सखा कुछ भी मान लो, क्योंकि इन सब रिश्तों में प्रेम का पुट होता है। तीसरी बात यह है कि इस सत्संग में प्रेम बहुत अधिक होता है, इसका दूसरा नाम प्रेम योग भी है। यहाँ के संचालक को यह अनिवार्य है कि वह सबको इतना प्रेम करे कि सब उसके हो जाएं और वह सबका हो जाए, क्योंकि विशुद्ध प्रेम ही ईश्वर का रूप है। इस क्रिया को सुबह शाम करने के अलावा इस प्रेम को उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि सुबह शाम के अलावा कुछ समय और आप अपने गाइड या गुरु को याद कर लें। वह 5 समय हैं
कि दोनों समय भोजन करते वक्त, सुबह उठते वक्त और रात्रि में सोते वक्त, और जब भी आपको खाली समय मिले उस समय अपने गुरु को याद करके इस प्रेम को बढ़ावा देते रहें। यह आवश्यक है कि सोते समय हम परमात्मा या गुरु के प्रकाश में अपने को सोएं, तो साधना बहुत जल्दी उन्नति करते हैं। आज का मानव बहुत ही अधिक व्यस्त और तनावपूर्ण स्थिति में जीवन यापन करता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसा अपने को बनाए जिससे तनाव रहित अवस्था में आंतरिक प्रसन्नता से रह सके। इस साधना के द्वारा यह संभव है। गुरु महाराज ने इस कार्य के लिए ज्ञान पथ के 10 आलोक प्रतिपादित किए, जिनके अनुसार यदि हम अपना रहनी सहनी बना लें तो शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं और सारे अपने कार्य, चाहे भौतिक हों या आध्यात्मिक, पूर्ण कर सकते हैं।